साथ में लाल लोबिया है और जी हमारे पास है कॉर्न। और यहाँ पे जो इमली अब मैं बनाने जा रही हूँ, इमली की चटनी, वो मैंने खुद ही घर पे बनाई थी। तो उसमें हम डालेंगे नमक, शक्कर है हमारे पास और साथ में अदरक है, थोड़ा सा लहसुन है और थोड़ी सी दड़ा मिर्च है और सुर्ख मिर्च है और नमक है और साथ में इमली और पानी हम रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे, जितना आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पैन ले लिया, उसमें हम डाल देंगे ये मेरे ख्याल में हाफ पाव के करीब हमारे पास इमली की चटनी है, इमली है। और इसमें मैं डालने जा रही हूँ पानी और इसमें आप सारे हमारे पास जो स्पाइसेस हैं वो सारे के सारे हम डाल देंगे उसमें। जी हमारे पास, मैं दोबारा से बता देती हूँ, दड़ा मिर्च थी, अदरक था, लहसुन था और जी सुर्ख मिर्च थी और जी हमारे पास था नमक। इन तमाम चीज़ों को डाल के हम पकने के लिए रख देंगे। और ये शक्कर यहाँ पे मैंने कम रखी हुई है, तो फिर बाद में मैंने जब टेस्ट की थी तो बहुत ज़्यादा, ये इमली की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा खट्टी है या फिर कम खट्टी है। तो यहाँ पे जो इमली की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉर थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब खट्टी थी। तो फिर मैंने यहाँ पर तकरीबन और शक्कर यूज़ की थी, तकरीबन 6 से 7 चम्मच और डल गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से 2-3 चम्मच यूज़ की थी शक्कर, लेकिन फिर बाद में 4 से 5 चम्मच मैंने और डाल दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये खट्टी इमली थी। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से पका लेंगे, इतना अच्छे से पका लेंगे कि जो आपका जो गूदा है इसकी गुठलियों से अलहदा होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि वो बिल्कुल अच्छे से पक जाए ताकि हम उसको जब निकालें गुठलियों को तो वो आसानी से निकल जाए। तो लहसुन और अदरक इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, आप लहसुन और अदरक अपनी चटनी में यूज़ करें तो बहुत ही उसका अच्छा अरोमा और अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन इस तरह से चटनी बनाता है। तो ये चटनी वैसे भी बहुत से खानों के लिए यूज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हमने इसी में यूज़ करनी है। आप इसको स्टोर करके किसी भी ग्लास कंटेनर में डाल के तो आप अपने फ्रिज में रख लें, तो ये 2 से 3 हफ्ते कहीं नहीं जाती, बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती है। अगर इससे भी ज़्यादा आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको क्यूब्स बना के तो फ्रीज़ कर लें, यानी कि जो बर्फ़ वाली क्यूब्स होती है ना, तो उसमें आप रिक्वायर्ड उसमें डब्बी में डाल के तो फिर अच्छे से उसको जमा लें, जमा के फिर आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स में उसको डाल के रख लें, जब भी यूज़ करनी हो तो फिर उसको डीप फ्रोज करें और उसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चटनी जी रेडी हो गई, मैंने गुठलियाँ लैदा कर ली थी, फिर इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था अच्छे से ब्लेंडर में डाल के ताकि वो बिल्कुल स्मूथ सी उसकी चटनी केचप टाइप बन जाए। फिर उसको दोबारा से पका लिया था ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बिल्कुल बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हुए हैं, इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक ताकि वो टेस्ट जो है आलूओं के अंदर रच जाए और जो हमारे आलू जो फीके फीके से होते हैं ना वैसे ना हो तो वो अच्छे से उबल जाएँ। तो यहाँ पे जी हमारे आलू रेडी हो गए हैं, उबल चुके हुए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे साइड पे। तो यहाँ पे जी आपने अब शुरू में वीडियो देखा होगा कि मैंने सबिया की वीडियो डाली है, तो वो जी खाने को उठा उठा के खा रही थी और साथ साथ डांस कर रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊँ मेरी बेटी ने कितना प्यारा डांस करती है और कितना अच्छी सी क्यूट सी बातें करती है और खाना भी खुद ही उठा उठा के खाती है अपने छोटे छोटे हाथों से। तो फिर मैंने वो शुरू में वो वीडियो लगा दी थी। तो यहाँ पे हम मैक्रोनी उबालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अगेन वही बाउल ले लिया था, मैंने कहा यही अब इसमें ही हमने आलू उबाल लिए थे तो फिर इसी में हम दोबारा से पानी डाल के इसी में मैंने मैक्रोनी भी उबाल ली। तो ज़्यादा गंदे बर्तन करने के बजाय आप वही बर्तन यूज़ कर ले तो बेहतर है, फिर आपका कचरा भी इतना नहीं पड़ता किचन में और वैसे भी बर्तन जो हैं बहुत ज़्यादा भर जाते हैं वीडियो बनाने के बाद। तो फिर मैं ज़रा कफाईशरी के साथ सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे सारे लवाजमात इकट्ठे हो गए, तो आपने देख लिए होंगे हमारे पास मैक्रोनी है, मैं दोबारा से बता देती हूँ, आलू है उबले हुए, कुकम्बर है यानी कि खीरा और शिमला मिर्च है, टमाटर प्याज और धनिया और हरी मिर्च चने हैं और कॉर्न है यानी कि मकई और साथ में लाल लोबिया है और जी साथ में हमारी ये चटनी है इमली की और केचप है, चिली गार्लिक सॉस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या ले लिया, 4 से 5 चम्मच अपने आपको जितनी चटनी चाहिए इमली की
वो हमने इसमें बाउल में डाल लेनी है, डाल के उसको कर लेना है थोड़ा सा ठंडा। और ठंडा करने के बाद हम इसमें डाल देंगे जी ये केचप, ये है हमारे पास चिली गार्लिक सॉस केचप है, तो इसको हमें एक पूरा चम्मच भर के डाल देंगे डाल के, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ में हम डाल देंगे चाट मसाला। चाट मसाला आप कम यूज़ करें या फिर ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन एक टीस्पून के करीब ना मैंने चाट मसाला यूज़ किया था, तो आप इससे ज़रा कम भी यूज़ करें तो वो चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही लग रहा था, जब पूरी बन गई थी ना तो थोड़ी सी मुझे सोर सी मतलब टेस्ट आ रहा था, तो आप ज़रा थोड़ी सी कम ही यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा डाल दिया है नमक, टेस्ट के हिसाब से जितना आप यूज़ करना चाहते हैं, जितनी आपको सॉल्टेड चीज़ अच्छी लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ही नमक यूज़ किया था। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं, ताकि जब हम सारी चीज़ें बीच में डालें तो वो अच्छे से उसको ये पेस्ट है जो वो लग जाए। तो यहाँ पे मैंने सारी डाल दी है मैकरोनी, मैकरोनी को हम अच्छे से बीच में मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले इसी को यूज़ किया है क्योंकि आपको पता है कि मैकरोनी जो होती है इसका मतलब बाकी चीज़ों के साथ टेस्ट मिल के आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यही यूज़ किया ताकि केचप जो है वो इसको अच्छे से लग जाए तो और चटनी भी लग जाए। तो यहाँ पे हमने हम बाकी चीज़ें यूज़ करनी है। यहाँ पे हमारे पास धनिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च, मैंने दो हरी मिर्च मैंने काट के रखी हुई थी। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे मतलब के छोटे बच्चे हैं जो जो इस तरह की चीज़ लाइक करते हैं तो फिर आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, तो फिर वो क्योंकि उनको बच्चे को मसला होगा उसको खाते हुए। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चा कोई नहीं था, सबिया या वो ऐसी चीज़ें अभी खाने के लायक नहीं है, तो इसलिए हम फिर इस तरह की चीज़ें अपनी खुराक में ज़रा ऐड कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दी है शिमला मिर्च डाल दी है, कुकम्बर भी डाल दिए हैं, चने भी डाल दिए हैं, टमाटर प्याज ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। और साथ में लास्ट पे हम डाल रहे हैं कॉर्न, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद हम डालेंगे लोबिया, जो कि इसको राजमा भी कहते हैं, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में कहते हैं या इंडिया में ही कहते हैं, मेरे ख्याल में तो सिर्फ इंडिया में ही इसको राजमा कहते हैं, यहाँ पर तो मेरे ख्याल में लाल लोबिया या किडनी बीन्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट पे अब डाल रहे हैं आलू उबले हुए। इन तमाम चीज़ों को हमने डालने के बाद अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि जी सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं और ये जो केचप और चटनी है वो भी इन सब के साथ अच्छे से हल हो जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के साथ साथ आप मुझे बताएं कि जी आपको मेरा हॉट एंड सोर सूप कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, और आप में से किस किस ने वो रेसिपी ट्राई करी। आप भी वो ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है हॉट एंड सोर सूप की। तो आप भी अपने घरों में ऐसी मतलब की चीज़ें बनाएं, अपने घर वालों को बना के दें ताकि उनको भी अच्छी लगे। और आपको पता है विंटर है, विंटर में ऐसी गरम गरम चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ रशियन सैलड रेडी हो गई है। तो ये ज़्यादातर शादियों में ऐसी जो रशियन सैलड है वो मिलती है, तो मैं जब भी शादी में जाती हूँ तो सबसे पहला मेरा यही होता है कि रशियन सैलड हमारे हाथ लग जाए। तो सबका यही होता है कि रशियन सैलड एक मीठी और नमकीन दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर होती है कि ये जो सॉल्टेड वाली है ना ये मेरे हाथ में लगे तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमारी ये चटनी की फाइनल शक्ल है, और ये बहुत ही मज़े की बनी थी और खट्टी मीठी सी। आप लोग भी ट्राई करिएगा, और ये वैसे भी बहुत से खानों में यूज़ हो जाती है। और ये जी हमारी रशियन सैलड की जो फाइनल शक्ल है बहुत ही मज़े की बनी थी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। तो आप लोग भी इसको अपने घरों में ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। और जी मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।